Hello and you're watching Claptrap. We're back again. Today we will talk about wall decoration. दीवार की डेकोरेशन के बारे में जी हाँ हम बात करेंगे आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेम्स दिखाएंगे जो कि वॉल डेकोरेशन के काम में आते हैं. जिस स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है बजोरिया प्रोडक्ट. ट्रस्टेड है, 100% अश्योर्ड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनके. हमने खुद इस्तेमाल किया है, दो वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आप वुडन फर्नीचर, कोई भी टीक वुड हो या शीशम वुड, अगर एस्थेटिक फर्नीचर में इंटरेस्टेड है जो कि इवॉल्व होकर बहुत खूबसूरत दिखता है तो आप वो वीडियो देखिएगा. साथ में आपको बता दें कि ये बात समझ लीजिए कि डिस्ट्रेस फर्नीचर आजकल फैशन में है, यानी कि वो फर्नीचर जो दिखने में थोड़ा सा पुराना और ऐसा लगता है मान लो एजेड है, वो प्रोसेस करके बनाया जाता है, ये आजकल इन है. आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक आप डिस्ट्रेस लुक का फर्नीचर ज़रूर रखिए. वॉल डेकोरेशन को करते समय कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखिए. पूरे घर में अपने परिवार की और भगवान की तस्वीरें जो हैं वो अच्छी नहीं दिखती हैं. अपने घर में थोड़ा नीटनेस लाइए. भगवान की तस्वीरें मंदिर में और प्राइवेट फ़ोटोज़ आप अपने बेडरूम में लगाएं, वो अच्छा दिखता है. बड़े दीवारों के ऊपर बड़ी पेंटिंग्स, छोटी दीवारों के ऊपर छोटी पेंटिंग्स. बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स की हाइट नहीं रखनी है. इन मिरर्स की भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है. कहते हैं कि मिरर्स और जो आपकी पेंटिंग्स होती है दे आर सपोज टू बी माउंटेड ऑन दी आई लेवल. बेसिकली एक इंसान की हाइट लगभग 6 फुट के आसपास होती है, तो उनको आप 6 फुट की हाइट के आसपास ही लगाएं, उससे ऊपर पेंटिंग्स नहीं लगाएं. अब बारी है कुछ प्रोडक्ट दिखाने की, बिगिन करते हैं. हेलो संतोष जी. जी सर, वेलकम बैक. सर, आपने पहले एपिसोड में हमें सोफ़ाज़ दिखाए, फिर उसके बाद हमने कुछ सॉरी पहले बेड्स देखे फिर सोफ़ाज़ देखे. इंट्रोडक्शन पार्ट इज डन. इस तरह का मिरर दिखाने वाले हैं जी. ये जैसे इसको हम बोलते हैं बखारा वर्क मिरर. अच्छा ठीक है, मैं एक सही पोजीशन ले लेता हूँ फिर हम मिरर दिखाएंगे. ठीक है सर, बताइए. ये देखिए सर, ये बखारा डिजाइन मिरर फ्रेम है. बखारा डिजाइन जी. ओके, इसकी डायमेंशन है 5 फीट बाय 3 फीट. हाँ हाँ ओके, 5 बाय 3 का है ये. बखारा क्यों बोलते हैं इसको? ये सर बखारा इसलिए बोलते हैं जो ना डिजाइन, इस डिजाइन की आर्ट को बखारा बोलते हैं. बखारा ही बोलते हैं हम लोग. ऑलराइट, मैं जरा क्लोजली दिखा दूं खुद को अवॉइड करते हुए. ऑफ कोर्स लुक एट द वर्क, सो ब्यूटीफुल. इसमें ब्रास इनले वर्क हो रहा है, ब्रास वर्क है इसमें. ओके, इसका साइज आपने क्या बताया? 5 बाय 3. ओके, और इसके रखने की जगह मैं बता दूं आपको, ड्रेसिंग एरिया में आप रख सकते हैं इसको, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. एट द सेम टाइम्स यू कैन कीप दिस इन योर फॉयर एरिया, जो घर का एंट्रेंस होता है वहाँ लगा सकते हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, लेकिन मिरर जो है वो घर में आप ड्राइंग रूम में भी मिरर लगा सकते हैं, स्पेशली अगर आपका घर छोटा है तो उससे आपका ड्राइंग रूम बड़ा दिखाई देगा. सो यू कैन बाय दिस ब्यूटिफुल मिरर. सर ये कितने का है? ये सर इसका प्राइस है 18,000 का. 18,000 का है ये, क्योंकि 5 बाय 3 है. 5 बाय 3 इसके हिसाब से पर रनिंग स्क्वायर फीट मेजर करके छोटा बड़ा कर सकते हैं. दिस कैन बी कस्टमाइज्ड. ओके ठीक है, अगले पे चले. नेक्स्ट सर मिरर और दिखाते हैं आपको. जी चलिए, बहुत सारा आइटम है, आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल. ये एक मिरर है सर, ब्रास फिटेड मिरर है. इसका भी डायमेंशन सेम है 5 बाय 3. ओके, ये एंटीक फिनिश में है. एंटीक फिनिश में है सर. ओके ठीक है, ये कितने का है? इसका प्राइस है सर, ये टीक वुड में है, ये 26,000 का है. ओके, क्योंकि ये टीक वुड में है. में जी. और जो ब्रास है वो उसको जानबूझ के डिलीबरेटली इट इज मेड एज एंटीक, केमिकल ट्रीटेड करके ना. हाँ हाँ, ज्यादा शाइनिंग किया गया, फिनिश करा हुआ जी. ठीक है. अच्छा, अगर ये साथ में करेंगे तो इसका मैचिंग कंसोल मिल जाएगा हमको नीचे रखने के लिए. अच्छा, इस तरह का आता है. अच्छा, कोई वुड का कंसोल होगा वो मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये वाला जैसे मिरर है, तो इसके साथ आपको एक छोटा सा नीचे कंसोल जैसा भी है. ओके, ये दिस लुक्स लाइक शीशम. ये तो शीशम लुक में है. इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड डिजाइन, और इसी का मैचिंग का मिरर है ऊपर. ओके, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे मिरर्स की तो फोकस इज ऑन द मिरर. ये डायमंड कट में एक मिरर है वुड. जी सर. ऑल राइट, ये क्या साइज है? ये सर साइडबोर्ड का साइज है 5 फीट, और मिरर का साइज है 4.5 बाय 2.5. 4.5 बाय 2.5. ओके, ये कितने का है? ये नीचे वाला सर 24,000 का है कैबिनेट, और मिरर है 10,000 का. ओके, जस्ट फॉर 10,000 रुपीज़. ओह, विद मिरर. जी सर. ओके, मैंने सुना है लास्ट टाइम मैंने जब खरीदा था तो मुझे बताया था कि इसमें मोदी गार्ड का मिरर यूज होता है. मोदी गार्ड का ही लगा. राइट ना, मेरी इन्फॉर्मेशन सही है? जी जी सर. ओके, 10,000 इज वेरी रिलेटिव. अगर आप चाहें तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं. मैंने बना सकते हैं जी. जो मैंने लिया था वो पूरा प्लेन था. ऑल राइट ठीक है, स्ट्रेट लाइन था जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ऐसा मेरा फ्रेम था. ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट वन. ये एक और है मिरर. ये क्या साइज है सर? सर इसको हम लोग बोलते हैं निवार डिजाइन. ओके, ये भी सेम साइज है सर, इसका प्राइस भी सेम है. अच्छा, कितना? 10,000 रुपीज़. 10,000 मिरर. और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों लग सकते हैं, आप इनको दोनों तरह से लगा सकते हैं. अच्छा, एक चीज मुझे सर बताइए कि क्या इनके पीछे टांगने के प्रोविजन होते हैं? टांगने का सर पीछे से क्लिप लगा के देते हैं हम लोग, इजिली वॉल पे ना हैंग कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं इनको.
ठीक है, दोनों तरह से आप प्रोविजन बना के देते हैं कि आपको बताना पड़ता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों? दोनों जी। ओके, और वॉल वॉल में कभी कभी मॉइस्चर होता है तो इस तरह के मिरर्स को कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। अच्छा, खराब नहीं होते क्योंकि सीजन अच्छी क्वालिटी का प्लाई लगाते हैं बैक में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसके पीछे प्लाई लगता है, ठीक है, लॉजिकली करेक्ट भी है। ठीक है, आगे और देखें एक दो मिरर एंटीक फिनिश में दिखा दीजिए हमको। हाई, चलिए, एंड वी हैव कम टू दी वेरी शॉकिंग पार्ट, इसलिए क्योंकि ये बहुत इन है, हम चाहते हैं कि इंडिया के लोग इस चीज़ को पहचान ले कि ये जो अब हम दिखाने वाले मिरर्स ये बहुत खूबसूरत होते हैं, ये इन है, ये कल्चर में है, ट्रेंड में है। ठीक है, बताइए। एक ये है सर, ये मैंगो वुड में है। ओके, ठीक है, इसका फिनिश वैसे करा हुआ है, एंटिक फिनिश में है ये पूरा का पूरा। जी सर, ठीक है, ये मैंगो वुड है इसीलिए शायद डार्क शेड में है। हाँ, डार्क शेड में है ये। अच्छा, ठीक है, वैसे आपके पीछे भी एक और है आपके राइट साइड में, मैं वहाँ भी जाऊँगा अभी। ये मैंगो वुड में है, इसका साइज बता दीजिए मुझे। इसका भी साइज सर 4.5 by 2.5 है। ओके, ये कितने का पड़ता है? ये पड़ेगा सर 13,000 का है। 13,000 मैंगो वुड है, फिर 13,000 क्यों? सर इस वुड को भी केमिकल ट्रीटेड करते हैं, कॉस्टिंग सेम ही आ रहा है। अच्छा, शीशम जैसे ही आ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये बहुत लोगों को मानना है कि अगर मैंगो वुड है तो सस्ता होगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है जी। अगर ट्रीट करते हैं तो उतना ही आता है। ठीक है, बहुत सारे मिरर्स हैं आपके पीछे, देखिए इधर भी है, इधर भी है, फिटेड भी है। ओके, ये इस तरह का वुड है। हाँ, दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, दिस इज गोल्ड। कौन सा वुड में? मैंगो वुड सर। ओके, बताइए। ये भी मैंगो वुड में है सर, और इसको थोड़ा सा गोल्ड एंटीक कलर करा हुआ है। इसका भी प्राइस सेम ही है सर, 12,000 समथिंग का है ये। 12,500 का। ऑल राइट, साइज थोड़ा छोटा है इसका। हाँ, 4x3 है। अच्छा, और कुछ मैंगो वुड में कैबिनेट भी है। ठीक है, इसके अंदर इजिली कार्विंग हो जाता है डोर में और ड्रावर में। ये पूरा वर्कमैनशिप जो है ये मशीन का होता है कि हैंडवर्क होता है? हैंडवर्क है सर। अच्छा, सारा काम राजस्थान में होता है, फैक्ट्री हमारी राजस्थान में है। ऑल राइट, 4x3 इसका साइज है, प्राइस बताया आपने इसका? 12,500। ओके, फ्रॉम दिस वी मूव ऑन टू दी अदर वन। एक ये पीछे रखा हुआ है एंड जिसके आसपास टाइल्स लगे हुए हैं, ये जरा हटा के मुझे दिखा दीजिए एक बार। इसमें सर टाइल फिटेड है और इसकी डायमेंशन है 5x3। अच्छा, ठीक है, ये छोटे छोटे टाइल का पार्ट्स है सर, इनको पेस्ट करके फिर हम बनाया हुआ है। अच्छा जी, इनको इसको मैच करने के लिए साथ में कंसोल मिल जाएगा? कंसोल भी मिल जाएगा सर। ओके, 5x3 का कितने का होगा ये? ये इसका प्राइस है सर 20,000 का। ऑल राइट, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप मिरर में हैं, मैं इसलिए वापस इधर आता हूँ। कितने का बताया आपने? 20,000 का। ठीक है, एक वो पीछे है, वो क्या है पीछे? जस्ट सर ये वॉल हैंगिंग है। अच्छा, ये कौन से वुड में? ये सर नॉर्मली मैंगो वुड में है ये। ओके, अच्छा, ये मिरर नहीं है? हाँ नहीं, ये वॉल हैंगिंग है। ओके, ये कितने का होगा? ये सर 8,500 का है। ठीक है, एक और है मेरा फेवरेट वाइट मिरर, वो देख लेते हैं अभी हम पीछे चल के। ठीक है, लास्ट एंड माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है ये संतोष जी। जी सर, मेरा फेवरेट है ये, मैं बहुत दिन से देख रहा था कि इस तरह का कुछ मुझे मेरे घर के लिए मिल जाए। ये कौन सा वुड है? बिफोर आई गो क्लोज टू दिस, ये भी सेम मैंगो वुड में है सर और इसमें कार्विंग करा हुआ है। ओके, और मैं नज़दीक से जाके जरा दिखा दूँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे इसको लिए। रस्टिक फिनिश करा हुआ है। हाँ, ओ, और इसकी डायमेंशन है आपका 6x3। अच्छा, दिस इज 6x3। ओके, मैं पता है क्या कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए अपने व्यूअर्स को, ये कि ये देखिए छोटे छोटे पिलर्स हैं। हाँ जी, सॉरी, ये झरोखा स्टाइल में है और इसका प्राइस है सर 35,000 का। ओके जी, ऑल राइट, मैं जरा इसकी डिटेल दिखाना चाह रहा था। हाँ, इसको जनरली प्रोसेस को करने में काफ़ी टाइम लगता होगा ना? लगता है सर। ओके जी, ऑल राइट, ओके, केमिकली ट्रीटेड होता है ये पूरा प्रोसेस? होता है सर। जी सर, ऑल राइट, बहुत ही प्यारा पीस है ये, इसका मेजरमेंट क्या है? ये 6x3 है। ओके, ये कस्टमाइज हो जाएगा? कस्टमाइज सर फिर टाइम चाहिए होता है। हाँ, अगर टाइम मिलेगा तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, प्राइस आपने बता दिया इसका हमको, फिर एक बार फिर से बता दीजिए। प्राइस 35,000 का है। 35,000 का है ये, ठीक है, एक बार सामने से दिखाना चाहूंगा। अगर साइज चेंज कराते हैं तो फिर उस हिसाब से प्राइस अच्छा बढ़ सकता है, घट सकता है। ओके, ठीक है, ऑल राइट, ये बहुत प्यारा पीस है इसका ना, मैं आपने लास्ट टाइम मुझे दिखाया था, इसका सर्कल में भी बनता है, राउंड में है ना? जी जी, इसको राउंड में बनाना चाहें तो राउंड में भी बन सकता है ये। ठीक है, दिस इज दी वन, वेरी नाइस, इसको कहाँ लगा सकते हैं? ये भी डाइनिंग हॉल में लगा सकते हैं सर। अच्छा, ड्राइंग रूम में। ओके,
जी ऑल राइट ठीक है. तो हमने बहुत सारे मिरर्स देख लिए अभी यहाँ पे जी. इनको जब आप डिलीवर करते हैं, जब इनकी कोरियर होती है आ जाइए आप जी. तो इनको आप पैक कैसे करते हैं फिर? सर इनको नॉर्मली कोरोगेट बबल शीट से पैक करते हैं और हम छोटे ट्रक द्वारा डिलीवरी करा देते हैं लोकल, जैसे ओके दिल्ली गुड़गांव एनसीआर में कहीं भी आसानी से डिलीवरी करा देते हैं. ऑल राइट ठीक है. अगर दिल्ली से बाहर भेजना हो तो फिर इसकी अच्छी पैकिंग करनी पड़ती है. ओके ठीक है. एंड इसका सबका थोड़ा थोड़ा कस्टमाइजेशन पॉसिबल है. ओके ओके थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. द इंटेंशन ऑफ क्लैपट्रैप, दिस चैनल की इंटेंशन ये है, सोच ये है, समझ ये है कि हम सब थोड़ा एस्थेटिसिज्म सीखें, इंटीरियर डिजाइनिंग सीखें, अपने घरों को अच्छा बनाएं. सिर्फ ये एक इंटेंशन होती है. वी होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. टेक केयर.